हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भी ये वीडियो। तो गाइस, आज हमारे पास है पोको का M2 जो मैंने सेल में खरीदा था। थोड़ा लेट ज़रूर पहुंचा है, तो इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको पढ़ा लेता हूं। आप यहां पे पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा फोकस कर देता हूं। तो गाइज ये है, देख सकते हैं आप, फुल HD प्लस डिस्प्ले है इसकी। MediaTek का प्रोसेसर है और हीलियो G80 आता है इसमें। बैटरी इसकी 5000 mAh की है। 13 MP का क्वाड कैमरा है इसमें, जिसका सेटअप लिखा हुआ है, आप पॉज करके देख सकते हैं। और गाइज ये वेरिएंट है 6GB 64 वाला, जो पिच ब्लैक कलर में है। तो गाइज चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं शुरू। ले तो ये आता है हमारे पास, इसमें सिम इजेक्टर टूल आ जाता है आपका और डॉक्यूमेंटेशन आ जाती हैं, ऐसे कि आप देख सकते हैं। तो ये रखते हैं साइड पे फिलहाल, पहले फ़ोन को साइड पे रखते हैं, पहले एसेसरीज के बारे में देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, इसमें चार्जर मिलता है हमें MI का। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं, पोको का फ़ोन है फिर भी MI का चार्जर इसमें आता है। 2 एम्पियर वाला 10 वॉट का सिंपल सा चार्जर आ जाता है इसमें। और हमारी केबल आ जाती है जो टाइप सी है, जैसा आप देख सकते हैं। ये रख देते हैं साइड पे, बात करते हैं अपने फ़ोन के बारे में। तो गाइस ये पिच ब्लैक कलर में है, जैसा आप देख सकते हैं, क्वाड कैमरा सेटअप के साथ। यहाँ पे फ्लैश लाइट है, ये भी कैमरा है, एकदम नोट 8 प्रो। अगर आपने देखा होगा तो नोट 8 प्रो जैसा एकदम लुक है इसका। सिंपल ब्लैक है, कोई रियलमी की तरह कुछ डायमंड कट वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पोर्ट्स, ये आ जाता है हमारा स्पीकर टाइप सी जैक, और यहाँ पर आ जाता है माइक, और ये 3.5 mm जैक। और इस साइड आ जाते हैं हमें सिम ट्रे, और ऊपर वाली साइड हमें मिल जाता है IR ब्लास्टर और एक नॉइस कैंसलिंग माइक, जो कि बहुत बढ़िया है इस फ़ोन में है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और पावर ऑन ऑफ का बटन। तो कर लेते हैं अपने फ़ोन को चालू। तो गाइस जब तक ये स्टार्ट होता है, तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे माइक है, फोकस कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे कैमरा भी अवेलेबल है। तो गाइस हमारा फ़ोन हो चुका है स्टार्ट, जैसा आप देख सकते हैं। कुछ इंटरफेस ऐसा है, कुछ इसमें प्री लोडेड ऐप्स हैं, जैसे मैं दिखा सकता हूँ आपको, जेली जैसी फालतू ऐप्स हैं। और इस गेम्स वाले सेंटर में भी कुछ है, मैं दिखा सकता हूँ ये गेम्स प्री डाउनलोडेड है इसमें। और ऐप्स फेसबुक अमेज़ॉन वगैरह वगैरह इसमें वहीं से आता है, जैसा आप देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा इंटरफेस है इस फ़ोन में, पोको के फ़ोन्स का इंटरफेस है। तो इसकी ब्राइटनेस दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये है इस फ़ोन की ब्राइटनेस, जो बहुत अच्छी है। एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, फुल HD डिस्प्ले है। तो जैसा आप देख सकते हैं, अच्छा डिस्प्ले है, कलर्स अच्छे दिख रहे हैं। वीडियो क्वालिटी भी आपको चेक कराऊंगा इसमें। थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर लेते हैं और आपको थोड़े दिखा देते हैं इसकी फ़ीचर्स। तो मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ पहले। तो गाइस जैसा आप देख रहे हैं, इसके अबाउट फ़ोन में पोको M2 64GB वाला वेरिएंट है हमारे पास, और ये इनबॉक्स MIUI 11 के साथ आता है। तो इसे अपडेट अभी करना है MIUI 12 के साथ। तो आप देख सकते हैं ऑल स्पेक्स, तो ये आप वर्जन वगैरह देख सकते हैं। MIUI 11 पे बेस होता है और एंड्रॉयड 10 पे आता है। तो इसे अभी अपडेट शायद आया होगा, मैं चेक करूँगा। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है 2 GHz का, और जैसा आप देख सकते हैं अवेलेबल सिर्फ 50 GB आउट ऑफ 64 GB, बिकॉज इसमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप भी आती हैं अराउंड 14 GB की, और इंटरनल ऐप्स भी होती हैं थोड़ी बहुत। तो गाइस एक चीज़ जो मैंने अब नोटिस किया है, इसके बॉक्स में कवर नहीं आता है, तो आपको ये मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा इसके लिए कवर, क्योंकि ये पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है।
तो इस पर स्क्रैच तो ज़रूर आएंगे। और गाइस ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा इधर पे लाइन जैसी है जो इसके लुक को और एनहांस करती है। यहाँ पे तो सेम ही कलर है लेकिन एक लाइन दी गई है वाइट, जिससे ये और भी अच्छा दिखता है। यहाँ से इस साइड थोड़ा सा डार्क है और इस साइड थोड़ा सा लाइट है, दूर से तो नहीं दिखता है, अगर करीब से देखेंगे तो ही दिखता है जैसा आप देख सकते हैं। तो गाइस अब मैंने कनेक्ट कर लिया है अपने फ़ोन को इंटरनेट के साथ वाईफाई के थ्रू, तो अब देख लेते हैं इसका अपडेट अगर आया है तो MIUI 11 आया है कि MIUI 12 आया है। तो गाइस इसका अभी MIUI 11 का अपडेट आया हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं MIUI V11.0.4.0 का आया है अपडेट, MIUI 12 का नहीं आया है इसमें अभी। वैसे तो ये लेटेस्ट फ़ोन है तो पता नहीं क्यों नहीं आया। तो आप देख सकते हैं पहले प्रिपेयरिंग फॉर सेटअप हो रहा है, जब तक सेटअप होता है तब तक आप पॉज कर देता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस मैंने सेटअप कर लिया है इसमें अपना फिंगरप्रिंट, तो आपको दिखा देता हूँ स्पीड इसकी। तो गाइस जैसा आप देख रहे हैं बहुत ही फास्ट है, एकदम खुल रहा है जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं बहुत ही फास्ट है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो गाइज मैं आपको अब कलर कंट्रास्ट इसका चेक करवा देता हूँ, फुल ब्राइटनेस पे है इस टाइम फोन। तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि ये फुल HD प्लस डिस्प्ले है, ये एक AMOLED डिस्प्ले नहीं है, फिर भी ये बहुत ब्राइट है जैसा आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले है एज़ कम्पेयर टू अदर फोन्स। तो जैसा आपने देखा वीडियो में कलर कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा है इसका। अब मैं थोड़ी सी आपको इसकी साउंड क्वालिटी भी चेक करा देता हूँ जिससे आपको पता चले कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। इसमें एक ही स्पीकर आता है, इसमें स्टीरियो स्पीकर्स नहीं आते हैं, तो मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी चेक करा देता हूँ। तो गाइस जैसे आपने इसकी साउंड क्वालिटी सुन ही ली है, तो इसमें स्टीरियो स्पीकर्स नहीं आते हैं, फिर भी इसकी बहुत अच्छी बेस आती है। इसमें एक ही स्पीकर आता है लेकिन लाउडनेस ठीक ठाक है, एवरेज है, उतनी हाई भी नहीं है क्योंकि इसमें स्टीरियो स्पीकर्स नहीं आते हैं। तो गाइस ओवरऑल ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है क्योंकि आप देख सकते हैं वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, और आप देख सकते हैं इसके बेजल्स भी कितने छोटे से हैं, उतने भी बड़े नहीं हैं, ऊपर से भी आप देख सकते हैं नॉच भी बहुत प्यारा है। तो ओवरऑल ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है। और गाइस इसकी प्राइस 10,500 होती है ऑनलाइन, क्योंकि ये 6GB 64GB वाला है। लेकिन गाइस जो ये फेस्टिवल सेल चल रही थी तो इसमें मेरे को अपने कार्ड का डिस्काउंट पड़ा था 1500, तो ये फ़ोन मेरे को अराउंड पड़ा था 9,000 रुपीज़ का, क्योंकि 1500 रुपीज़ मेरे कार्ड का सेल था। तो गाइज मेरे को लगता है ये 9,000 में वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि G80 प्रोसेसर एक बहुत अच्छा गेमिंग प्रोसेसर भी कह सकते हैं हम, लाइट गेमिंग कर सकते हो आप इसमें, उतनी हैवी भी नहीं कर सकते हो। तो ओवरऑल ये फ़ोन बहुत ही प्यारा है, और थिकनेस भी उतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे मैं रियलमी 6 यूज़ करता था पहले तो उसकी थिकनेस अच्छी खासी थी, लेकिन इसकी थिकनेस बहुत कम है। और इसमें 5000 mAh की बैटरी भी आ जाती है जो आपकी गेमिंग को एनहांस कर सकती है, आपकी बैटरी लाइफ आराम से 1-1.5 दिन चल जाएगी अगर आप एक लाइट यूज़र हो।
तो दो ढाई दिन चल जाएगी आपकी बैटरी। तो गाइस मेरा ओपिनियन है कि आप ये फ़ोन लीजिए, अगर आपके पास कार्ड है तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये फ़ोन आपको सस्ते में पड़ेगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।